वे। तो इस वास्ते फरमाया अपने माँ बाप नो गाली ना दियो। तो इहदा इह मतलब नहीं कि को गाली देवे ते होरे फिर बेअदबी है, को माँ बाप की बेअदबी तोहीन करे फिर बेअदबी है, नहीं। बुजुर्ग फरमाते ने जिहदी वजह तू उहदी माँ या बाप की अख विच अथरू आ जाए उही मापियां दा बेअदब है। जिहदी वजह तो भी उहदी माँ या बाप की अख विच आंसू आ जाए ओ मां बाप दा बेअदब ते गुस्ताख है। याद रखियो जन्नत दी खुशबू कुछ जन्नत तो 50 साल दूर या 70 साल दूर होवेगा ना तो उत्थे भी जन्नत दी खुशबू जावेगी। किसी ने चंगा परफ्यूम लगाया होवे ते ओदी थोड़ी दूर तक खुशबू जावेगी, पर जन्नत इतनी खुशबूदार है कि जन्नत तो 70 साल दे फासले ते भी होवेगा ना, 70 साल दे फासले उत्थे भी जन्नत दी खुशबू जावेगी। पर नबी करीम ने फरमाया जिहड़ा मां बाप दा बेअदब ते गुस्ताख होवेगा वह कयामत नूं जन्नत दी खुशबू भी ना सूंघ सकेगा। क्योंकि सारा साल में खत्म शरीफ हो गई या महाफिल और जलसे उमन उत्थे ते वालदैन दी अजमत उत्थे बेशुमार मरतबा तकरीर कर चुकिया, मगर मेरा ख्याल है कि क्योंकि जुमातुल मुबारक दे खुतबे दे अंदर बहुत चीदा चीदा मौका आता है कि मां बाप दी अजमत दे मुतल्लक मेरा ख्याल है कि जो जुमातुल मुबारक का खुतबा सुनने वास्ते नौजवान तशरीफ लेके आते हैं उन्होंने समाज तक माँ बाप की अजमत के हवाले न कोई ऐसी बात पहुँच जाए कि शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। कोई एक नौजवान भी अगर इन बातों पर अमल करे और वालदैन का फर्म बरदार हो जाए तो अल्लाह करे साड़ी सारे की अपनी मां ते अपने बाप ते एहसान करो। भाई औलाद अपने मां बाप ते किस तरह का एहसान करे, क्या औलाद का अपनी माँ या अपने बाप से कोई एहसान हो सकता है कि औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करे तो कहे कि अम्मी जी मैं तुम्हारी खिदमत की थी, मैं तुम्हारे से एहसान किया है, अबू जी मैं तुम्हारी दवाई लेके आया लिहाजा मैं तुम्हारे से एहसान किया है। क्या औलाद का अपने माँ बाप से कोई एहसान होता है, क्या औलाद अपने माँ बाप से कोई एहसान कर सकती है? अगर नहीं कर सकती तो फिर अल्लाह कुरान में क्यों फरमा रहे वबिल वालिदैन इहसाना, अपनी माँ ते अपने बाप ते एहसान करो। कुरान मजीद फरकाने हमीद अंदर सूरतुर रहमान अंदर रब ताला ने इरशाद फरमाया हल जज़ाउल इहसान इल्ला फरमाया एहसान दा बदला सिर्फ एहसान है। अरबी दे अंदर कहंदे ने कि अल इंसान अब्दुल एहसान, इंसान एहसान दा गुलाम होंदा है। कोई किसी ते एहसान करे ते होवे इंसान नस्ली ते अपनियां नसलां नूं दस के जांदा कि फलां बंदे मेरे ते एहसान कीता सी, उहदे नाल ताल्लुकात अच्छे रखे आ जे। क्योंकि अल इंसान अब्दुल एहसान, इंसान एहसान दा गुलाम होंदा है। अल्लाह ते रसूल तो बाद इंसान ते सब तो ज्यादा एहसान या उहदी मां दे ने ते या उहदे बाप दे ने। अल्लाह फरमांदा कि एहसान दा बदला एहसान है। ओ जिहड़े एहसान तेरी मां ते तेरे बाप ने तेरे ते कीते ने ना, अल्लाह फरमांदा हुण उन एहसानात दा बदला दे ते इन्हां ते एहसान कर। तो मालूम हो गया कि औलाद अपने माँ बाप की कितनी भी खिदमत करे औलाद का कोई एहसान नहीं, क्योंकि औलाद अजे अपने माँ बाप के एहसाना दे बदले पर अदा कर दिए। सारी जिंदगी भी इंसान अपने माँ बाप की खिदमत करे तो औलाद अपने माँ बाप से कोई एहसान होता ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो अजे अपने माँ बाप के एहसाना के बदले भी अदा नहीं किए। अक्सर मैं बात सुनाना कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा नबी करीम के सहाबी तवाफ काबा कर रहे थे, आप दे नाल एक नौजवान जिन्हें कंधे से कमाई वडेरी बिठाई थे वह कंधे अंदर बिठा के तवाफ काबा करवा रहा। उन्होंने किसी दसिया कि आ जे बाबा जी तवाफ काबा कर रहे ये अब्दुल्ला बिन अब्बास ने नबी करीम के सहाबी ने हजूर के चाचा के बेटे ने इस उम्मत के सब तो बड़े आलिम हिबरुल उम्मा ने
मैनू ख्याल आया कि मैं मसला ना पूछ लवा। अर्ज की, हुजूर ऐ जिहड़ी कंधे ते माई बैठी ना, ये मेरी मां है। मक्के तो 6 मील दूर मेरा गांव है। आज मैं घर गया थे, मेरी अम्मी ने फरमाया कि बेटा मेरा दिल कर दे मैं काबे दा तवाफ करके आवां। मैं अपनी मां नूं कंधियां ते उठाया ते अरब दे उन्हां गरम पत्थरां ते चल के आया कि जिन्हां गरम पत्थरां दे उत्ते गोश्त दा टुकड़ा रखी गया ते ओह भी कबाब बन जाए। मैं उन्हां गरम पत्थरां ते चल के आया, आके अपनी मां नूं तवाफ भी करवा रहा ते क्या इन्नी मुशक्कत दे बाद मैं अपनी मां दा हक अदा नहीं कर दिता? क्या मैं अपनी मां दे इहसानां दे बदले नहीं दे दिते? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, बेटा क्या तू सारे हकूक ते सारे एहसानात दी गल कर रहा है? उन्हें अर्ज की, जी मैं मां दे सारे एहसानात ते उहदे सारे हकूक अदा करन दी गल कर रहा। अज मां दे उत्ते मैं सारे एहसान कर नहीं दिते, बदले अदा नहीं कर दिते। आपने फरमाया कि बेटा जिहड़ा तैनूं जन्म देवन लग्या तेरी मां नूं तकलीफ दे झटके लगे सन ना, उन्हां चों इक झटके दा बदला भी अजे अदा नहीं होया। फरमा जिहड़ा तेरी मां ने तैनूं बचपन च दुध पिलाया सी ना, उस दुध पिलावण दी इक चुस्की दा बदला भी अजे अदा नहीं होया। ते मां दे सारे हक कौन अदा करे? बाप दे सारे हक कौन अदा करे? इन्हां दे एहसानात दे बदले कौन अदा करे? तेरी परवरिश वास्ते जिहड़ी तेरी मां ने इक रात जागी ते तेरे बाप ने पसीने दे कतरे बहाए, सारी जिंदगी भी एहसान करें ना, मां दी उस रात दा देन दे सकना है ते ना बाप दे उस पसीने दे कतरे दा देन दे सकना है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, कुरान मजीद फरकाने हमीद दे अंदर बार बार रब तआला ने इस मौजू नूं बयान फरमाया ताकि इंसान भुलन हारे किधरे भुल ना जाए। थोड़िया आयतां पढ़े ते अगे मां बाप दा जिक्र आ जांदा है, थोड़ा जिहा कुरान पढ़े मां बाप दा जिक्र आ जांदा है, थोड़ा कुरान पढ़ो फिर किधरे मां बाप दा जिक्र आ जांदा है ताकि इंसान किधरे भुल ना जाए, क्योंकि इंसान भुलन हारे भुल जांदा है। इस वास्ते रब जिथे जिथे नाल इबादत दी याद करांदा है नाल नाल मापे भी याद करांदा है। और मां बाप का जब भी अल्लाह ने जिक्र फरमाया अपनी इबादत दे और अपने जिक्र दे नाल फरमाया, क्यों कि मत किधरे तो अपनी इबादत से नाज कर बैठे कि मैं बड़ी नमाज पढ़ना, मैं बड़े नफल पढ़ना, मैं बड़ा जोहद तकवा कमाना, मैं बड़ा अल्लाह वाला हो गया, हुन खबरे मैनू मां दे अदब दी लोड़ नहीं, होरे मैनू मैनू बाप दी कदर दी लोड़ नहीं। इबादत दे फौरन बाद अल्लाह फरमांदा वा बिल वालिदैन एहसाना, फरमाया जे रात सजदे च गुजार के रात कयाम करके सवेरे उठ के तो मां नूं झिड़क मार दित्ती ना ते मैनू तेरे जगराते दी लोड़ ही कोई नहीं। हाँ तेरी रात सुतिया गुजर जाए और सवेरे उठ के तो मां दे कदम ते बाप दे हाथ चुमे, होरे तेरी रात सुतिया गुजर जाए पर रब सारी इबादत शुमार कर लवे। तो अल्लाह अपनी इबादत दे फौरन बाद मां बाप दा जिक्र कर दे। आइए सुनिए कुरान अल्लाह किथे किथे मां बाप दा किवें किवें जिक्र कर दे। पढ़िए कुरान भाई, अज मेरी तकरीर ते उन्हें सुभान अल्लाह कहनी है जिहड़ा घर च अम्मी नूं अम्मी जी ते अबू नूं अबू जी कह के बुलांदा है, ए वंड हुणे ही हो जानी है। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह भाई, होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। पंजाबी दा सादा जिहा जुमला कहंदे ने, जो बीजना है ओही वढना है, जो तू बीज के जाना है अपनी मां ते बाप दे नाल ओ यकीनन तेरी औलाद ने तेनू वढ के खिला देना है। सारे गुनाहों की सजा अल्लाह कयामत नूं देवेगा। एक ही गुनाह ऐसा जिहदी सजा रब दुनिया ते भी जरूर देंदा है ते आखिरत च भी जरूर है, वो मां बाप की बेअदबी ते गुस्ताखी है, इहदी सजा रब दुनिया ते जरूर देंदा है। पर तुसी पढ़े लिखे मुआशरे दे समझदार लोग बैठे हो, तुसा अपनी अपनी जिंदगी च उन्हां लोगों का हाल जरूर वेख्या होगा जिन्हां ने अपने मां बाप की बेअदबी ते गुस्ताखी की, अगो उन्हां दी औलाद ने भी उन्हां नूं ओही किताब पढ़ के सुनाई जिहड़ी उन्हें अपने माँ बाप वास्ते लिखी सी, औलाद ने उन्हें उही सलूक किया जिहड़ा उन्हें अपने माँ बाप नाल किया। यकीन तुस अपनी जिंदगी च देखा होगा। तो गिरामी कदर हजरात, जो कि उनवान बड़ा अहम है, मेरा दिल कर दे कि मैं इहदे ते चंद चीदा चीदा अल्फाज आप अहबाब नूं अर्ज करा। उच्चा जो सुभान अल्लाह फरमाओ तो चलिए मदीने भाई। सारे नहीं बोले, जिहड़ा जिहड़ा नहीं ना बोलता हाथ चुको ते नाल दा भी अपने दा चुको ते उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वकदा रब का अल्लाह ताबुदू इल्ला इयाहु वबिल
الوالدين إحسانا وعبد الله بلا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير चार आयता पढ़िया उच्चा बोलो सुभान अल्लाह इन्हें चौवा आयात अल्लाह ने अपने जिक्र दे फौरन बाद फरमाया बिल वालिदैन एहसाना अपनी मां ते बाप ते एहसान करो नौजवानों कुरान मजीद दी इन आयात च एक आयत ऐसी है कि रब ने फरमाया इद अखदना मीसाक बनी इसराइल फरमाया असा कौमे बनी इसराइल को यहूदियों को औलाद यकूब को ए वादा लिया ला ताबुदून इल्लल्लाह अल्लाह तो इलावा किसी की इबादत न करे आजे वा बिल वालिदैन एहसाना ते अपनी मां ते अपने बाप ते एहसान करो ए रब ने बनी इसराइल को वादा लिया मां ते बाप ते एहसान करना है ते मेरे इलावा फरमा किसी की इबादत नहीं करनी इहदा मतलब है कि जेड़ा हुक्म मैनू तुहानू है उही हुक्म बनी इसराइल वास्ते सी ओए आसमान तो जितने मजाहब जमीन पे आए यहूदियत नसरानियत और इस्लाम हर मजहब के अंदर अल्लाह ने यही हुक्म फरमाया कि इबादत मेरी करो और माँ बाप ना हुस्ने सलूक करो मेरी मिल्लत है नौजवानों आओ पहले बनी इसराइल दी मैं एक गल सुनावा जिन्होंने उस कौम में माँ बाप का अदब किया अल्लाह ने उन्होंने कैसे मरतबे अदा किए फिर मैं तुहानू दसा नबी करीम ते आपदे सहाबा माँ बाप का किवें अदब ते इहतराम करते सन उन्होंने रब ने कैसे अजर अदा किए फिर मैं तुहानू एक दो बात सुनावा जिन्होंने उम्मत च माँ बाप का अदब किया अल्लाह ने उन्होंने कैसे मरतबे अदा किए अल्लाह के नबी हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम कोहे दूर ते गए थे अर्ज की थी या अल्लाह हर नबी दा जन्नत च कोई ना कोई साथी ते गवांडी ते हमसाया होवेगा अर्ज की थी या अल्लाह मेरा जन्नत च साथी कौन होवेगा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर नबी दा जन्नत च कोई ना कोई साथी होवेगा फरमाया जिन्हें मोहम्मद दा साथी वेखना है हजरत उस्मान गनी दी ज़ियारत कर लवे उच्चा बोलो खुशबख्त जेड़ा कमली वाले दा गवांडी होवे जेड़ा हजूर दा गवांड होवे ओ बगदाद च कोठी पे विके ते पुछे मुल किन्ना है आख्या एक लख दिनार ते नाल ही दूसरे मोहल्ले के कखां दी कुल्ली दा सौदा हो रहा ते पुछे मुल किन्ना आख्या 2 लख दिनार आख्या कोठी लख दी कुल्ली 2 लख दी वजह आख्या कोठी का गवांड बड़ा भैड़ा है यहूदी है कुली का गवांड इमाम अबू हनीफा है अपने गवांड की वजह तो मुल बढ़ गया तो जिदा गवांड कमली वाला हो बेमुरशद चुप रवे तो मुरशद वाला बोले सुभान अल्लाह वो जिदा गवांड कमली वाला हो अल्लाह दे नबी ने अर्ज की अल्लाह जन्नत च मेरा साथी कौन है मूसा कलीम अलैहि सलाम ने अर्ज की अल्लाह ने फरमाया कि फलां पिंड दे अंदर एक बाजार है उस बाजार दे अंदर एक दुकान है उस दुकान दे अंदर एक कसाई है गोश्त दा कारोबार करदा है ओ कसाई तुहाडा जन्नत दा रिश्तेदार ते तुहाडा जन्नत दा साथी होवेगा अल्लाह दे नबी नूं ख्याल आया जात दा कसाई ते उस नबी दा गवांडी जिदे बारे रब फरमाए वकान इंदल्लाह वजीहा अल्लाह फरमादा कि ओ नबी है जेड़ा अल्लाह दी बारगाह च बड़ी वजाहत वाला नबी बड़े जलाल वाला नबी जिदे रब इन्हें नाज उठाए कि दरिया दी लहरां दे हवाले कर दिता जाए ते लहरां डोबन भी ना ओ हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम के जिन्ना ना वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा जिदना रब डायरेक्ट कलाम करे नहीं समझे सारे नाल जिब्रील दे जरिए ओ वाहिद नबी जिदे डायरेक्ट कलाम है
مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا اللہ کسی نہ کلام کرے تو تین ہی طریقے نے تین ہی طریقے نے اِلَّا وَحْيًا وحی دے ذریعے أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ پردے دے پیچھے وَيُرْسِلَ رَسُولًا فرمایا مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا یا کوئی فرشتہ بھیج کے کوئی پیغام بھر بھیج کے اللہ کسی نہ بس یہ تین طریقے نہ گل کر دے تے حضرت موسیٰ کلیم ہو نے جنہاں نہ پردے دے پیچھے رب نے آپ ڈائریکٹ کلام کیتا تے خیال آیا میرا جنت چ ساتھی کسائی پھر بھی خیال آیا کہ جا کے چیک نہ کراں کردا کی ہے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو اے جمعہ ایتھے لنگر کوئی نہیں ہاں لنگر گھروں جا کے کھانا جے تے بس بغیر لنگر دے بھی کدے سبحان اللہ بولیا کروں ہاتھ چاہ کے بولو مینوں پتہ لگے جوندے جاگ دے چ بیٹھا میں ہن تقریرا دو کر کے آ رہا ہاں جے میں تہاڈی خدمت چوں میں اسلام آباد جانا ہے تو میں تہاڈے نال زیادہ تھکیا ہونا پر میں یقین کرو یہ پیشانیاں ویکھنا ہونا کہ میں پیشانیاں ویکھ کے تھکاوٹ اتر جاوے سبحان اللہ بولو میری تھکاوٹ اتارو اونچا بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی نو خیال آیا چیک نہ کر کے آواں کردا کی ہے آپ پوچھ دے پوچھان دے اس پنڈ گئے پنڈ دے اس بازار گئے بازار دی اس دکان دا پتہ کیتا قصائی نو ویکھیا تے خیال آیا چھپ کے ویکھاں کردا کی ہے عمل کیڑے کیڑے نیک عمل کردا آپ چھپ کے دے عمل ویکھ دے او کی کردا جدوں گاہک گوشت خریدن آندا نا تے جڑا بغیر ہڈی والا گوشت ہوندا نا جنوں اج کل تسی بون لیس کہندے ہو کہ بون لیس جڑا ہوندا او مہنگا وکدا جیہدے چ ہڈی نہ ہووے او جڑا بغیر ہڈی دے گوشت اونوں رکھ لیندا اے تے ہڈیاں والا بیچ دیندا اے اللہ دے نبی فرماتے نے مینوں خیال آیا اے تے گل چنگی نہیں کہ پیسے پورے لیندا اے مگر ہڈی والا گوشت بیچ دیندا اے بغیر ہڈی والا جڑا نرم گوشت او رکھ لیندا اے آپ فرماتے ہیں میں سارا دن دیکھتا رہا اور سارا دن آئی عمل کرتا رہا میں نے کوئی خاص گل نظر نہ آئی کہ جس خاص عمل دی وجہ تو ایک جنت چ میرا ساتھی ہوئے گا شام ہو گئی تے او دکان بند کرن لگا تے آپ فرماتے ہیں میں نے خیال آیا کہ ایتھے تو کوئی عمل نظر نہیں آیا تے ہووے نہ تے گھر جا کے چیک کراں ہو رہ سکتا ہے ساری رات ہی سجدے چ گزاردا ہووے کوئی تہجد پڑھدا ہووے نفلاں چ گزاردا ہووے آپ اودے قریب گئے تے فرمایا میں مسافر ہاں میں اج رات گزارنا چاہنا انہیں عرض کیتی او جدو چہرہ ویکھے نا ایڈا سونا ایڈا خوبصورت ہائے ہائے ایڈے سونے سن موسیٰ کلیم علیہ السلام کہ فرعون دے گھر چلے گئے جدو رڑدے 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 بچپن وچ فرعون دی بیوی ہاتھ پاؤں دھو رہی دریا فرعون دے محل دے درمیان چ گزردا سی ادھا محل ادھر ادھا محل ادھر درمیان چ دریا نیل گزردا ہے فرعون دی بی بی حضرت آسیہ اس دریا دے کنارے بیٹھ کے ہاتھ پاؤں دھو رہی ہیں سہیلیاں دے نال بیٹھیاں تے ویکھیا پنگوڑا پہ رڑدا جاوے پنگوڑا پکڑیا تے اپنی اولاد نہیں سی تے ویکھیا ایڈا سونا تے آکھیا اے تے مینوں اللہ نے عطا کیتا ہے اولاد میری کوئی نہیں تے ایڈا سونا بچہ گھر آپ ہی رڑدا رڑدا جا گیا ہے پالیا تے جوان کیتا اس رب دی عظمت و شان قربان جاواں جڑا موسیٰ نو فرعون دے ویڑے پال لے سونے بڑے سن موسیٰ حسن دی گل سناواں پھر وقت زیادہ ہو جانا ہے گرامی قدر حضرات انہیں قصائی نے جدو چہرہ ویکھیا تے نبی دا چہرہ ایڈا سونا انہیں آکھیا جی والے بھاگ میرے جے تسی میرے مہمان بن جاؤ آؤ تو شریف لے آؤ اللہ دے نبی اودے نال چلے گئے جا کے گھر گئے تے انہیں آپ نو بیٹھا کے جیا کدھرے بھی بٹھایا ہن آپ اودے معمولات دا اندازہ فرما رہے انہیں جاندے نہ بیوی نو بلایا نہ بچیاں نو بلایا اس سارا دن جڑا گوشت اکٹھا کردا رہیا نا اس گوشت نو انہیں پانی چ بھگو دیتا آپ فرماتے نے میں دیکھا کہ انہیں تھیلا کوئی کپڑے دا زمین دیوار دے نال لٹکائے تے انہوں کھولیا جس طرح جھولا کہہ لو پگھوڑا کہہ لو اودے اندر انہیں ایک وڈیری جی مائی ہے انہوں لیا کے اپنے تلیاں تے اٹھا کے تے چار پائی تے انہوں لٹا دیتا انتہائی ضعیف کتابہ چ لکھے علامہ صفوری فرماتے نے جی میں چڑیا نازک نہیں ہوتی چڑیا اس طرح اس مائی دا وجود نازک ہو گیا اتنی ضعیف مائی کہ انہیں او دا وجود اس طرح زمین تے بستر تے بچھایا نا تے آپ چلا گیا تے گوشت جڑا سارا دن کٹھا کر دارے اس گوشت نو دھویا
नाल उन्हें गोश्त पकाना शुरू कर दिता, हांडी रख ली ते नाल आटा गुंदा रहा। अल्लाह दे नबी फरमाते ने मैनु ख्याल आया ना इन्हें बीबी नो बुलाया ना इन्हें बच्चे नो बुलाया, किसी नो काम भी नहीं कह रहा, खुद कर रहा। आप फरमाते ने नाले सालन तैयार करता रहा ना आटा गुंदा रहा। हजरत मूसा कलीम फरमाते ने जो आटा भी गुंद लिया ते सालन तैयार हो गया, उन्हें रोटी बना के ना ते उस सालन दे विच उस रोटी नो भिगो दिता। जब रोटी पानी सालन मिक्स हो गया ना, सुरीद बन गया, जिन्होंने सुरीद किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा पसंद सी ये खाना कि शोरबे के अंदर रोटी भिगो के उन्होंने नरम करके खाना। नबी पाक की सुन्नत भी है और हुक्म आ कहते हैं इंसान के मेदे वास्ते जो तो रोटी इतनी नरम हो जाए तो मेदे को ज्यादा मेहनत नहीं करना पैंदी, इस वास्ते हजम भी जल्दी हो जाता है। तो सुरीद चुके नबी पाक को भी पसंद सी, उन्हें सुरीद बना के प्याले च रख लिया। प्याला लेके तो समाई वडेरी दे करीब आया, तवज्जो है ना सारे दी भाई, रोटी अग्गे बड़ी नरम है पर उन्हें अपने मुंह च डाल के उस रोटी नु मजीद नरम किया। जब मजीद नरम हो गई तो अपने मुंह च निकाल के तो हुन माई दे मुंह च लुकमे डाल दे। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमाते ने मैं मंजर वेखदा रहा, अचानक थोड़ी देर के बाद माई दे लब हिले। उस नौजवान ने कन ला के सुनिया, माई की बड़ी ज़ईफ सारी आवाज आई कि बेटा पानी ते पिला। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमाते ने मैं वेख्या कि नौजवान कसाई पानी लैन चला गया, ते आप फरमाते ने मैं बाद च वेख्या ते माई दे लब पे हिल दे। कलीम रबानी फरमाते ने मैं उठ के माई दे करीब चला गया। आप इरशाद फरमाते ने मैं वेख्या माई लब लागे कह रही या अल्लाह मैं अपने पुत्र ते बड़ी राजी हां, ते माई कह रही या अल्लाह मैं दुआ करनी हां मेरे पुत्र नु कयामत नु जन्नत च मूसा दा साथी बनाओ देवी। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमाते ने माई जी मैं ही अल्लाह दे नबी मूसा कलीम आऊं। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, तुम्हारा पुत्र जन्नत च मेरा साथी होवेगा। माई ने रब दे नबी मूसा कलीम दा चेहरा देखया, उन्हें कलमा पढ़िया ते माई दी रूह परवाह कर गई। उधर नौजवान कसाई पानी लेके आया, उन्हें मां दे लबा नाल प्याला लगाया, मां फोत हो गई, अपनी मां दे सीने ते लेट के रोन लग पया। बड़ी देर रोन तो बाद हजरत मूसा नु कलीम नु कहन लगाया, उन्हें वाले तू किधरे रब दा नबी मूसा ते नहीं, आपने फरमाया तेनू किवें पता चले। कह लगा मैं बचपन का वेखदा आ रहा, मेरी मां रोज दुआवां करदी रही है, या अल्लाह मैनू उस वेले तक मौत ना देवी जब तक मैं रब दे नबी मूसा की जियारत ना कर लवा। फरमाया अज मेरी मां तेनू वेख के मरी है, लगता तू ही रब दा नबी मूसा कलीम है। आपने नू फड़ के सीने नाल लाया, फरमाया मैं ही रब दा नबी मूसा कलीम। अल्लाह ने फरमाया तू जन्नत च मेरा साथी होवेगा। फरमाया मैं ते चेक करन आया सा केड़े अमलां दी वजह तू तू जन्नत च जा रहा है। फरमाया मैं सारा दिन देखिया कोई अमल नजरी नहीं आया, पर जदू तेरे घर आया तेरी मां दी खिदमत वेखी है, तेरी मां दियां दुआवां सुनिया ने, फिर पता लगे है गल अमलां दी नहीं, इत्थे मां दियां दुआवां ने जिहड़ियां तैनूं जन्नत च लई जांदियां। जन्नत पहुंचा दिता, पता चलिया गल सिर्फ अमलां ते नहीं मुकनी, पिछे दुआवां भी काम कर दी। मैं आसान लफ्ज़ां जिंज पढ़िया करना कि अजमतां की सुनावा भाई, अजमतां की सुनावा। और शेर होंदा तो मैं तुहानू कहिंदा पढ़ो ना पढ़ो मर्जी तुहाडी है, पर मेरा तो नहीं ख्याल कि इस पूरे इजतिमा कोई एक भी इंज का होगा जिन्होंने माँ नाल प्यार ना हो, जिन्होंने बाप नाल प्यार ना हो। माँ
काफिरा भी होवे ना काफिरा भी ते उदी खिदमत करन दा भी ओही सवाब है जिहड़ी मोमिना मां दी खिदमत दा सवाब है। उदे मामले रब नाल है तेनों सवाब हो। ओ मां वलिया भी होवे ना ते मां वलिया दी भी खिदमत दा ओही सवाब है जिहड़ा गुनाहगार मां दी खिदमत दा सवाब है। सवाब एक जैसा ही है। माँ तो एडी अजीम औरत एडी कायनात की अजीम हस्ती है। तो मेरा ख्याल है कि सारे मापिया के अदब वाली अलहमदुल्ला बैठे हाँ हूँ सारे रल के पढ़ना लगी भाई अपनी अपनी मां नु खिराजे अकीदत पेश करो सारे उन सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए अजमतां की सुनावा मां दियां भाई अजमतां की सुनावा केड़ा बंदा पढ़दा नाल हाथ खड़ा करे गवाही देवे अजमतां की सुनावा मां दियां अजमतां की सुनावा मां दियां भाई तार दिंदियां ने दुआवां जिन जिन तारे आखे तार दिंदियां ने दुआवां मां दियां रोपे प्यारे नबी मुस्तफा याद जद आया वफावा मां दियां भाई याद जद आया वफावा मां दियां ए अजमता की सुनावा मां दियां ए तार दिंदियां ने दुआवां अपनी अम्मी को दुआ अपने अबू को बैठ के आख्या करो जी आ मेरा काम फस गया दुआ करो फिर नक्शबंदियां मां ने आख्या पुत्र दरवाजा बंद कर दे दरवाजा बंद कर दे इन्ना कह के मां करवट बदल के ते लेट गई सारी रात दरवाजे दे कोल खलोते रहे कि पता नहीं अम्मा ने सज्जा बुआ आख्या सी के खब्बा आख्या सी इसे गल ते सारी रात दरवाजे च खड़े रहे तो सुते ही नहीं किधरे मां दी बेअदबी ना हो जाए खोरे मां ने किड़े दरवाजे वालू आख्या सी दाएं तरफ वाला के बाएं वाला मां दी कितने बेअदबी ना हो जाए ऐसे ऐसे मामा दे खिदमत गुजार वली बल्कि वली बनदा ही होवे जिहड़ा मां दा खिदमत गुजार होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह वली बनदा ही होवे जिहड़ा मां दा खिदमत गुजार होवे। नबी करीम अलैहि सलात व सलाम मेराज करके वापस आए ना शबे मेराज दा तज़किरा सहाबा नूं सुना रहे जो उत्थे पहुंचे ना गल सुनांदे कुरान दे फरमाया मैं जन्नत दे कोलों गुजरिया इत्थे रुक के मेरे नबी ने फरमाया मैं जदों जन्नत दे दरवाजे चों गुजरिया ते जन्नत चों मैनूं कुरान पढ़न दी आवाज़ पई आवे। सहाबा ने अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह जन्नत च ते कुरान है ही नहीं भाई जन्नत च कोई नेकी नहीं क्योंकि जन्नत नेकियां ते सवाब कमाण दी जगह नहीं जन्नत नेकियां दी जगह है। जन्नत उन्हें जाना जिन्हें नेकियां कमा के जाना है ना ते जन्नत च ते कोई नमाज रोजा हज ज़कात अमाले सालिहा है ही नहीं क्योंकि उत्थे ते मौजा ही मौजा बस वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन उत्थे ते बस मौजा ही मौजा है ते
अर्ज़ की यार रसूल अल्लाह जन्नत च ते कोई नेकी है ही नहीं ते ए ए ए जन्नत च कौन तिलावत पे कर दे। नबी करीम अलैहि सलाम ने ए इंज करके इशारा करके फरमाया ओ तुहाडे च सहाबी बैठे हजरत हारसा बिन नुमान। मेरे नबी ने फरमाया ए जन्नत च पे कुरान पढ़दा सी। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सारे काम इकट्ठे ही करने हैं नमाज रोजा हज ज़कात अमाले सालेहा इन्हें केड़ा ए वादू अमल किया कि जन्नत च भी कुरान पढ़ेगा ते तिलावत करेगा। नबी करीम ने फरमाया बाकी अमाल तुहाडे नाल ही करदा पर माँ की खिदमत ज़्यादा ज़्यादा करता है। ए माँ की खिदमत की वजह से जन्नत च जाएगा तो उत्थे जाके ते कुरान की तिलावत भी करेगा। यानी कि जरा माँ की खिदमत ज्यादा कर लवे उदे मरतबे भी बढ़ जाते हैं उदे मकाम बढ़ जाते हैं। और बेअदबी की है एक तो नबी करीम अलैहि सलाम ने सहाबा नु फरमाया कि माँ बाप दी माँ बाप नु गाली ना दियो। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कौन बदबख्त है जरा माँ बाप नु गाली दे। या रसूल अल्लाह माँ प्यो तो गाली नहीं ना कोई देता। हजूर अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया जे तू किसी के माँ बाप नु गाली देवेगा अज मुआशरे चेक करो अज बेतरतीब मुआशरा हो गया लोग गल करते हैं तो गल के तकिया कलाम गाली होंगे बार बार गाली देते और उन्होंने महसूस भी नहीं होता कि मैं गाली दे रहा क्योंकि गाली वो जुबान से इतनी ज्यादा रवा हो गई कि बार बार गाली भी दे रहा नौजवान मगर उन्होंने खबर ही नहीं हो रही कि मैं गाली नहीं कर रहा उन्होंने गुनाह ही नहीं समझ रहा। उन्होंने अगर गुफ्तगू के गालियां निकाल दो तो पीछे कुछ भी नहीं बचता बाद नो पता नहीं चलता कि मैं अगले नो गाली दे रहा। इदे बारे नबी पाक दा फरमान की हजूर ने फरमाया अपने माँ बाप नो गाली ना दे। अर्ज की अपने माँ बाप नो कौन गाली देंदा है। हजूर ने फरमाया जब तू किसी दे मापे नो गाली देवेगा ओ तेरे मापे नो देवेगा ते असल च ते तू ही अपने मापे नो दित्ती ना ना तो गाली दे दो अगले नु मां बाप दी ओ ना तेरे मां बाप नु देदा। फरमाया तो ओदे मां बाप नु गाली ना दे ताकि ओ तेरे मां बाप नु ना देवे। तो इस वास्ते फरमाया अपने मां बाप नु गाली ना दियो। तो इहदा ए मतलब नहीं कि को गाली देवे ते होरे फिर बेअदबी है को मां बाप दी बेअदबी तोहीन करे फिर बेअदबी है नहीं। बुजुर्ग फरमांदे ने जिहदी वजह तू ओदी मां या बाप दी अख विच अथरू आ जाए ओही मापिआं दा बेअदब है। जिदी वजह तो भी मां या बाप की अखे च आंसू आ जाए और मां बाप का बेअदब ते गुस्ताख है। याद रखियो जन्नत की खुशबू कुछ जन्नत तो 50 साल दूर या 70 साल दूर होगा ना तो उत्थे भी जन्नत की खुशबू जाएगी। किसी ने चंगा परफ्यूम लगाया होवे ते ओदी थोड़ी दूर तक खुशबू जाएगी पर जन्नत इतनी खुशबूदार है कि जन्नत तो 70 साल के फासले ते भी होगा ना 70 साल के फासले उत्थे भी जन्नत की खुशबू जाएगी। पर नबी करीम ने फरमाया जिहड़ा माँ बाप का बेअदब ते गुस्ताख होगा वह कयामत नूं जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ सकेगा। यानी वह जन्नत तो इतना दूर होगा कि कयामत नूं माँ बाप का बेअदब ते गुस्ताख जन्नत की खुशबू ना सूंघ सकेगा। नौजवान एक दिन काफिला मदीना तैयबा तो मक्के वल जा रहे हो लोग मदीने तो उमरा करन मक्के जा रहे आज कोई उमरा करन जावे सारे मोहल्लेदार मिलन आउंदे ने लोग नु मुबारक दे देने उमरा करन जा रहे हैं लोग नु कहंदे मेरा भी सलाम नबी करीम दी बारगाह च दे देवी काबे जावे मेरे वास्ते भी दुआवां करी। नौजवान एक दिन काफिला मदीने तो मक्के वल जा रहे आओ मदीने दे लोग उमरा करन मक्के जा रहे सारे मदीने वाले उन्हां लोकां नु विदा करन मदीने तो बाहर आए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला नु बड़े सुरदान आप मदीना तैयबा दे उन्हां उमरा ज़ायरीन नु विदा करन वास्ते आए ते लोकां ने पुछया अबू हुरैरा सारे उमरा करन जा रहे बड़े राजी हैं तुसी क्यों अपना अफसुरदा चेहरा बनाया है। आपने फरमाया मैं इस वास्ते अफसुरदा के मैं उमरा करन नहीं जा रहा हूं सारे मदीने वाले जा रहे नहीं पूछा तुसी क्यों नहीं जा रहे। फरमाया मदीने मेरी बडेरी मां है मैं अपनी मां छड़ के काबे नहीं जा सकदा मैं अपनी मां छड़ के उमरा कर नहीं जा सकदा। लोगों ने आख्या तुसी भी जा के उमरा कर आओ। फरमाया जेड़ा सवाब मैनू काबे दा तवाफ करन दा मिलना है ओही सवाब मैनू मां दी खिदमत करन दा मिल जाना।
फरमाया जेड़ा मैनू सवाब काबे दा तवाब करन दा मिलना ना ओ मदीने मैनू मां दी खिदमत करन दा मिल जाना है। तेरा काबा तेरा हज तेरा किबला तेरे बेड़े दे अंदर है। तू कद करते सही नौजवानों मैं अजमत वालदैन उत्ते कई घंटे गुफ्तगू करा तो अल्हम्दुलिल्लाह मौजू ते खत्म नहीं होता मगर तुहानू मुख दी मुका देवा। ओ यार नबी करीम तो वध के कौन मापे दी खिदमत कर सकता है। पर मेरे नबी दे अब्बा जान ते हजूर दी विलादत तो पहले दुनिया तो चले गए। 6 साल दी उम्र हुई थी अपनी हकीकी माँ भी दुनिया तो टुर गई पर सारी जिंदगी मेरे नबी ने अपनी माँ को याद किया ते रोए। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह शौबुल ईमान च हदीसे पाक लिखी कि नबी पाक इशा दी नमाज पढ़ा के एक दिन रुख अनवर साहबा वल किया मेरे नबी इस दर्द ना रोए के सारे साहबा रोन लग पे। किसे अर्ज की या रसूल अल्लाह क्यों रो गए हो किसे गम देता है कोई तकलीफ है या रसूल अल्लाह दसो। फरमा मैनू कोई गम नहीं कोई तकलीफ नहीं सोना रोंदे क्यों हो। फरमाया मां याद पई आउंदी मां याद आ रही मां दी कदर पुछनी किसे उस को लेते मजमे च पुछ जिदी मां टुर गई। बाप दी कदर पुछनी इस मजमे च किसे उस को बैठ के 2 घड़ियां पुछ जिदा बाप चला गया। मैं अक्सर सुना ना ऐ ईद गई है ना गुजरी है ना सारे जमाने ने ईद मनाई है ना पर जिन्हां दे मापे टुर गए ना वो उम्र दे किसे हिस्से च भी होन वो ईद दी नमाज पढ़ के घर नहीं जांदे वो ईद पढ़ के पहले कब्रस्तान जांदे ने। लोग नवे पकड़े पा कपड़े पा के खुशियां मनाते होंगे कोई मां दी खबर ते बैठ के रोंदा होंदा ते कोई बाप दी खबर ते बैठ के रोंदा होंदा। ईद वाले दिन को चक्कर कब्रस्तान जाके कदे लगा लोग ईद मनांदे होंदे ने ते जिन्हां दे टुर के नो कब्रा ते बैठ के रोंदे होंदे ने उन्हां नू ईद भी ईद नहीं लगदी जिन्हां दे मापे टुर जावन उन्हां नू कदों ईदां भी ईदां लगदियां उन्हां नू कदों ईदां भी खुशियां देंदियां जिन्हां दे मापे टुर जावन। मैं इंज पढ़िया करना वा मापे जगते भाई मापे जगते ए माते बाप जे दुनिया उत्ते आए रब दा मिठा मेवा जिसने जन्नत जाना होवे ओ करे दुआ दी सेवा ए जिसने जन्नत जाना होवे ओ करे दुआ दी सेवा। नौजवानों याद है जब अम्मा हलीमा आई ओ हकीकी मां ते टुर गई है। अम्मा हलीमा लाठी टेक दी जा रही है अपने बनो साध कबीले दे अंदर ते 2 कुड़ियां पियां गल्लां करन ते एक कुड़ी दूसरी नु आखे नहीं सुनया मदीने एक नबी आया है ते दूसरी कहन लगी मैं भी सुनया है सुनया चन्न दे 2 टोटे ही कर देंदा है। उच्चा बोलो। दूसरी कहन लगी मैं सुनया सूरज डुब्बा भी मोड़ लैंदा है। तीसरी कहन लगी नहीं सुनया पत्थना तू कलमे पढ़ा लैंदा है। चौथी कहन लगी सुनया दरख्तां नूं बुलावे ते ओह भी टुर के आ जांदे ने। अम्मा हलीमा लाठी टेकदी सुनदी जा रही टुरदी जा रही कमर झुक के वडेरी हो गई। उन्हां कुड़ियां च इक बोल के कहन लगी नहीं सुनया ओहदा नाम मुहम्मद है। बस सोने दा नाम की आया। अम्मा हलीमा फरमा दी इंज किवें जिवें किसी ने पैरां च मुहब्बत दी जंजीर पा के रोक लिया ते अम्मा हलीमा बैठ के सुनन लग पईआं ते मेरे पुत्र दीआं पईआं गल्लां करदीआं ने। पुत्र दी मुहब्बत ने खिचिया ते दिल कीता चल नहीं हलीमा पुत्र नूं मदीने मिल के आईए चल मिल के आईए। पंजाबी सियालकोटी जबान च कहां ते अम्मा हलीमा पौंदे पैरी मदीने वाली टुर पई पौंदे पैरी मदीने वाल टुर पई ते नाले ज़ेहन च ख्याल आवे गोदी च ते मैं ही खिडाया है पालिया ते मैं ही है पर हुण सुनिया खुदा दे अरशां ते साने जोड़िया ही चढ़ जांदा है चन्न सूरज मोड़ ते तोड़ लैंदा है खोरे मैनूं पहचाने के ना पहचाने खोरे बुलाए के ना बुलाए। आए अज मामा दा हाल भी तो यही है ना। मावा डरदियाँ पुत्र समझ आदि ही नहीं
कितने मैंने छिड़क ना मार दे। बाप अपने पुत्र नु समझाते नहीं, अद्धी रात वेले पुत्र घर आवे ते अबू पुछदा ही नहीं कित्थों आया क्यों, कितने मेरा पुत्र मैनु बुलाना ही ना छड़ दे, मेरा पुत्र मैनु कितने छिड़क ना मार दे। ओए मां पे औलाद तो डरन लग पे। मेरे नबी ने फरमाया कयामत दी निशानियां चो भी निशानी है कि मां अपने आका नु जन्म देवेगी, मां अपने आका नु जन्म देवेगी। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कोई औलाद अपने आका नु भी जन्म दे सकती है? फरमाया कुरबे कयामत च इंजी होवेगा, मापे गुलाम बन जाएंगे, औलादा आका बन जाएंगियां। मापे औलाद तो इंज डरनगे जिवें गुलाम अपने आका तो डरता है। और मापिया ने अज समझाने ही छोड़ दिता कि तेरे मेरा पुत्र मैनु बुलाना ही ना छड़ दे। तो माइया रो के कहदियां आसे साहब मैनु तवीज़ लिख दियो, मैनु वजीफा दियो, मेरा पुत्र मैनु बुलांदा नहीं। वो मापिया की एड्डी अबतर हालत हो गई, पुत्र मैनु बुलांदा नहीं, मैनु को तवीज़ दे दियो, मैनु को वजीफा लिख दियो। मेरी मिल्लत दे नौजवानों कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी माई आ रही, ख्याल कर दी आ रही, पता नहीं बुलावे कि ना बुलावे, मैनु वेखे कि ना वेखे। इधर मकामे जराना ते नबी करीम सहाबा नाल बैठे, सहाबा गोश्त पे तकसीम करते ने, सहाबा नु गोश्त खिला रहे। और सामने गली दा मोड़ ते एक माई बटेरी मोड़ मुड़िया, सहाबा फरमाते ने नबी पाक दिनी गाँव समाई दे चेहरे ते पई, ते सरकार सारा कुछ छड़ के टुर पे जिवें किसे नु जानदे ही नहीं। सहाबा कहंदे ने नबी करी उन्हें जाके माई नु जफा मारिया, बड़ी देर कमली वाले माई दे सीने लगे रोंदे रे, माई भी रोंदी रही। हुन साहबा भी वेख रे केड़ी नसीबा वाली माई आई आई, मेरे आका माई नु सारा दे के अपने नाल लै आई। माई बैठन लगी, मेरे नबी ने माई दे कदमा थले कमली भी छावा दी थी। माई मेरे आका दी कमली ते बैठ गई, सरकार माई दे सामने हाथ बन के दो सानू बह गए। हुन मिठियां मिठियां गल्लां शुरू हो गईयां। सहाबा फरमा दे ने असा चन्न टुटदा वेखे आ, सूरज मुड़दा वेखे आ, असा दरख्तां नू टुरदियां ते पत्थरां नू बोलदियां वेखे आ, पर नबी दा बचपन असा नहीं वेखे आ। माई ने बचपन दियां गल्लां छेड़ लईयां, सहाबा बड़े लुत्फ लैके मेरे नबी दा बचपन सुनदे रहे, मेरे नबी दा बचपन सुनदे रहे। बड़ी देर तक माई मेरे नबी नाल गल्लां करदी रही। माई नू जदों बहुता प्यार आउंदा है, नबी दा मत्था ही चुम लैंदी। सहाबा फरमांदे ने सी ख्याल करने किहड़ी नसीबां वाली माई आई, जिहदे जोड़ियां नू अरश तरसदा है, माई उहदा मत्था ही चुमी जांदी है। बड़ी देर गल्लां हुंदियां रहियां, अचानक माई उठ के खड़ी हो गई ते माई कहन लगी वे सोनिया वे मैं चलनी हूं। मेरे नबी ने माई नू बकरियां दित्तियां, माई नू दिरां ते दिनार दित्ते। जिहड़े वेले माई टुरन लगी मेरे नबी नाल नाल टुरदे जा रहे। थोड़ी दूर जाके माई कहन लगी वे सोनिया हुण मैं चलनी हूं। मेरे आका ने माई नू जफा मार लिया, कमली वाले सत्तर दनाल रोए, सहाबा दियां चीखा निकल गईयां। अर्ज की अम्मा जरा जल्दी आया करो, मैं अपनी माँ तो बड़ा उदास, मेरा दिल खरद मेरी भी माँ हो मैनु सीने ला ले। मैं अम्मा आखा मैनु पुत्र कह के प्यार करे, मेरी माँ कोई नहीं, अम्मा जी जरा जल्दी आया करो, तुसी आ जाते हो मेरी मावा वाली हसरत मुक जाती है। माई मथा चुमया कहन लगी वे सोनिया रो ना, मैं आती जाती रवानी। जेड़े वेले माई टुर पई मेरे नबी ओते खलो के माई दी कंड वेखदे रहे। जदों माई निगाहां तो ओझले हो गई, मेरे आका अपनी जगह ते बह के रोंदे रहे। सहाबा ने अर्ज की दी कमली वाले आ, केड़ी नसीबा वाली माई आई है। मेरे आका ने फरमाया सब माई दियां बड़ियां शाना ने, अर्ज की दी सोनिया शाना ते आई बड़िया ने, कमली वाले तेरा मत्था ही चुमी जांदी है। अर्ज की दी सोने माई कौन है, फरमाया साहबा ए ओ नसीबा वाली माई है, मैं नबियां दा इमाम हो के इस माई दियां बकरियां चार दरिया। फरमाया मैं इमाम उल अंबिया हो के इस माई दियां बकरियां चारदा रहा।
फरमाया अज मुहम्मद दी दाई हलीमा आई सी, अज ते दाई आई है, जिन्हें पालिया वो आई ते जे कदे जमन वाली माई आ जाती है, ये सैयद आमीन आ जाती है, मेरा नबी कैसा अदब ते इहतराम करदा। तो मेरी मिल्लत दे नौजवानों, अपनी माँ अपने बाप दे सामने अपनी आवाज अपना लहजा अपनी गर्दन जरा नीवी रखिया करो, इन्हां दे सामने उच्चा ना बोली, रब कितने तेरी सारी जिंदगी दी नेकियां ना जाया कर देवे, इन्हां दे सामने अपने लहजे नीवी रखिया करो, इन्हां दे सामने अपनी आवाजा अपनी गर्दन नीवी रखिया करो। अल्लाह दी बारगाह च दुआ है, अल्लाह सारे नूं मां बाप दे अदब दी तौफीक अता फरमाए, जिन्हां दे जिंदा ने अल्लाह उन्हां नूं